ये देखो घर में चूल्हा कैसे बनाए। सबको पता है घर में चूल्हा बहुत ही ज़रूरी होता है, और एक आसान तरीके से चूल्हे को कैसे बनाए इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, मैं बताता हूँ आपको। आपको इसमें तीन तो ईंट लगेंगी, जो ईंट भट्ठे से लाई जाती है, मकान बनता है। अच्छा, तीन ईंट इसमें डमरू वाली लगेंगी, जो डमरू वाली बोलते हैं, सीमेंट की होती हैं, जिसका रोड बनता है। तीन ईंट वो लो आप, और इसके नीचे आप तीन चौके जो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनके नीचे ये तीन चौके आप लगा सकते हो। छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखो जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ मेरा कैमरा फोकस आपको। देखो आप ये तीन चौके आप देख सकते हो, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारा जो फर्श है उसकी सतह को तपत, जो अग्नि की तपत है चूल्हे की, वो उसको नहीं छू सके, क्योंकि इससे तपत जाएगी तो इससे क्या है, फर्श में तरेड़ आ सकती है, दरारें आ सकती हैं, इसलिए ये लगाए जाते हैं ताकि ऊपर ऊपर रहे। ठीक है, अब देखो नीचे तीन चौके लगा रखे हैं, ऊपर फिर ये तीन ईंट हैं जो ईंट भट्ठे की होती हैं, देख लो ये ईंट है, और ये देखो इसके बाद में सीमेंट वाली तीन ईंट है डमरू वाली, देखो ये रही। ये अब इतना चूल्हा बन गया है, इसके ऊपर एक लोहे का इतना, हाँ ये इंच तो मुझे नहीं पता शायद, लेकिन जो भी है इतना लगा सकते हैं आप, आइडिया देख लो अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, ये अगर छोटा बर्तन रखना हो। अब ये चूल्हा बन के तैयार है, अब सिर्फ पीली मिट्टी चाहिएगी, पीली मिट्टी से इसका लेप करेंगे ताकि ये चूल्हा सुंदर बन जाए, और ये बाकी जो इसकी दिख रहे हैं ना खड्डे वगैरह सब भर जाएंगे, और ये एकदम प्लेन दिखेगा आपको। चलो ये देखो ये माता जी किस प्रकार से पीली मिट्टी लाई है, बाहर कहीं भी से भी आपको मिल जाएंगी जोड़ के आसपास से। अब इसको किस प्रकार से बना रही हैं ये देखो, इतनी मेहनत से बनानी पड़ती है। ये देखो ये पीली मिट्टी इसके अंदर बह रखी है, ये पीली मिट्टी पानी में कुछ टाइम तक भिगो कर रखनी पड़ती ताकि ये अच्छी तरह से गीली हो जाए, ताकि लेपने में हमें कोई दिक्कत ना आए। क्या है इसमें गोबर होता है ना, जो वो गोबर है उसको मिलाकर उसमें धीरे धीरे वो पीली मिट्टी मिलानी पड़ती है, और फिर ये इस प्रकार से लेप बनता है चूल्हे का। ठीक है, अब इसको चूल्हे पर लेप किया जाएगा, ये देखो ये चूल्हा रहा, इसको लेप किया जाएगा फिर ये अच्छा बन जाएगा सुंदर। ये देखो अच्छी तरह से इसको मिलाया जा रहा है गोबर को और पीली मिट्टी को, ताकि चूल्हे को अच्छी तरह से लिपा जा सके। ये देखो माता जी ने अब लीपना शुरू कर दिया है, लगभग कंप्लीट हो जाएगा ये 5 मिनट में, देखो ऐसे लिपाई हो गई है। अब ऊपर से लग रहा है, इधर से कर दिया, अंदर से हो गई है। और ये मिट्टी है, ये ऊपर की मिट्टी है। ये देखो चूल्हा बन के तैयार हो गया, अब देख सकते हो आप, ये देखो ये लीप दिया है मिट्टी से अच्छी तरह से, देखो पूरा कंप्लीट हो गया अब ये चूल्हा, आप देख सकते हो। देखो इस प्रकार से चूल्हा बना जाता है, ये देखो पूरा चूल्हा बन गया है। अब इस वीडियो को लाइक करें और चेष्टा म्यूजिक हरियाणवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से इसको शेयर करें वीडियो को जितना उसके, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स ऑल दोस्तों।